हेलो एवरीवन, मैं साधना। वेलकम टू माय चैनल यम्मी पकाओ यम्मी खाओ। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही स्पेशल सा एक केक लेके आई हूँ जो बहुत ही बढ़िया लगता है और बनाना भी बहुत इजी है और बहुत टेस्टी लगता है। तो ये कृष्ण जन्माष्टमी स्पेशल केक है, सिर्फ दूध के आइटम से बना हुआ है ये। तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कृष्ण भगवान का भोग लगाइए, और कैसा लगा ये ज़रूर बताइएगा। तो आप लोग देख सकते हैं कि कितना बढ़िया ये केक बनके रेडी हो गया है। मक्खन केक हमारा बहुत ही स्मूथ बना हुआ है। तो ये देखिए, मैं कट करके यहाँ पे दिखा रही हूँ। ये देखिए कितना बढ़िया स्मूथ सा केक बनके हमारा रेडी हो गया है। इसको बेक करने की भी ज़रूरत नहीं है, बिना बेक किए ही हम इसे रेडी कर सकते हैं। ये बनाना बहुत ही आसान है, और इसको बनाने के लिए हमें दही और मक्खन की ज़रूरत है। जो कैसे, सबसे पहले हम मक्खन को रेडी कर लेंगे, फिर हंकड़ को रेडी कर लेंगे, उसके बाद हम केक बनाना स्टार्ट करेंगे। तो चलिए केक बनाना स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि किस तरीके से ये हमारा मक्खन केक बनके रेडी हो जाता है। और आप सभी को मेरे तरफ से हैप्पी जन्माष्टमी। तो चलिए कृष्ण भगवान का ये प्यारा सा मनमोहन सा केक हम बनाना स्टार्ट करते हैं। ये दूध की मलाई है, मैं इसको इकट्ठा करके रखी हूँ। अब इसमें थोड़ा सा दही डाल देंगे तो ये दही के फॉर्म में बन जाएगा। बस इतना सा ही दही मैं ऐड कर रही हूँ। देखिए इस तरीके से दही डाल के इसको मिक्स कर देंगे, क्योंकि ये गाढ़ा है, इसको अच्छे से मिक्स करना है, इसे अच्छे से दही जम सके। देखिए पूरी मलाई में दही को मैं मिक्स कर दी हूँ। दही हमारा बिल्कुल जम चुका होगा, अब इसे हम चेक कर लेते हैं खोल के। देखिए बहुत ही बढ़िया दही हमारा जम चुका है, अब इसे हम मिक्स कर लेंगे। हमें मक्खन निकालना है इसे, इसे हमें मिक्स करना है, और इसमें थोड़ा सा हम पानी को ऐड कर देंगे। एक कप के बराबर पानी ऐड करेंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। बस कुछ ही देर चलाएंगे हम इसको अच्छे से, तो इसमें से मक्खन हमारा निकल जाएगा। ये देखिए इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड करूँगी मैं, हाफ ग्लास के करीब, से मक्खन हमारा ऊपर आने लगे। मक्खन हमारा बिल्कुल अलग हो गया है पानी से, अब इसे हम एक कटोरी में निकाल लेते हैं। तो हाथ से ही हम निकालेंगे इसको, इससे अच्छे से निकल जाए। ये देखिए इस तरीके से हम मक्खन को अलग कर लेंगे। ये देखिए है ना बढ़िया मक्खन, कितना बढ़िया मक्खन निकल गया, और ये पानी बिल्कुल अलग हो गया है। देखिए कितना बढ़िया ये मक्खन है ना। अब इसको हम फ्रीज में रख देंगे। तो चलिए आगे का प्रोसेस करते हैं। ये हंकड़ है, इसको मैं कपड़े में बांध के रख दी थी, इसका सारा पानी निकल गया है, बहुत ही सूखा सूखा बिल्कुल पनीर के जैसा हो गया है। तो इसे कैसे बनाते हैं मैं आप लोगों को अभी दिखा रही हूँ कि मैंने किस तरीके से हंकड़ तैयार किया है। ये देख सकते हैं आप लोग कि कितना बढ़िया ये रेडी हो गया है, बिल्कुल सूखा, इसमें ज़रा सा भी पानी नहीं है, बिल्कुल पनीर के जैसा ये लग रहा है। तो चलिए मैं आप लोग को दिखाती हूँ कि मैंने कैसे हंकड़ को तैयार किया है। ये दही है, तो इसको हमें हंकड़ बनाना है, यानी इसका पानी बिल्कुल निकालना है। तो यहाँ पर एक छन्नी ले ली हूँ मैं, और इस पर कॉटन का कपड़ा डाल देंगे, कोई भी कॉटन का कपड़ा डाल दीजिए, और इसके ऊपर दही को डाल देंगे इस तरीके से, जिससे इसका सारा पानी निकल जाएगा और ये बिल्कुल गाढ़ी गाढ़ी सी दही हमारी रेडी हो जाएगी। हमें वैसे ही दही चाहिए, गाढ़ी सी, इसमें पानी बिल्कुल ही ना हो। तो इसको इस तरीके से बांध के और छोड़ देंगे या कहीं लटका देंगे, जिससे इसका पानी निकल जाए। देखिए इसका पानी निकल रहा है ना, इस तरीके से इसका पानी सारा निकल जाए, फिर इसे हम यूज करेंगे। तो ये बहुत ही गाढ़ी गाढ़ी हंकड़ हमारा रेडी हो जाएगा। इसे हमें करीब 1.5 से 2 घंटे के लिए छोड़ना है, जिससे इसका सारा पानी निकल जाए। तो इस तरीके से कहीं हैंग कर दीजिए। हमारा बिल्कुल रेडी हो गया है, कितना बढ़िया बना हुआ है। अब इसमें मिक्स करूंगी मैं एक छोटी कटोरी, यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ छेना, ऐड कर रही हूँ, छोटी सी कटोरी है। तो दही में ऐड करके और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे दोनों को, जिससे ये अच्छे से मिक्स हो जाए। ये अच्छे से मिक्स हो गया है, अब इसमें ऐड करूंगी मैं चीनी पाउडर, 3 टेबल स्पून चीनी का पाउडर बना के इसको ऐड करेंगे मिक्स।
अब इसमें मैं ऐड करूँगी ड्राई फ्रूट्स का पाउडर। तो यहाँ पर मैं 8 से 10 ले ली थी बादाम, 8 से 10 मूंगफली और 8 से 10 काजू और 2 इलायची लेके, और इनको हल्का सा गर्म करके रूम टेम्परेचर पर जब ये ठंडा हो गए तो इनका पाउडर बना ली थी, और वो पाउडर मैं मिक्स कर रही हूँ इसमें, जिससे इसका बहुत ही बढ़िया टेस्ट आएगा। तो ये ड्राई फ्रूट्स पाउडर को मिक्स कर लेंगे। तो अच्छे से मैं मिक्स कर ली हूँ यहाँ पे। अब यहाँ पे मैं एक छोटी सी कटोरी ले रही हूँ, आप चाहें तो कोई भी मोल्ड ले सकते हैं या छोटी कटोरी भी ले सकते हैं, केक का भी मोल्ड ले सकते हैं। इसमें 2 से 3 बूंद मैं घी का डाल के और इसको अच्छे से ग्रीस कर ली हूँ, चारों तरफ से ग्रीस कर लेंगे, जिससे हमारा जब हम इस केक को निकालें तो बहुत अच्छी तरह तरीके से ये निकल जाए। तो इसमें अब हम अपने सभी पेस्ट को डाल देंगे जो हमने रेडी करके रखा हुआ था, सबको हम डाल देंगे और इसे हमें अच्छे से फैला देना है। तो ये देखिए बहुत ही बढ़िया कृष्ण भगवान का जो भोग है, ये केक जो हम बना रहे हैं बहुत ही बढ़िया ये रेडी हो जाएगा। तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि कैसा लगा आप लोगों को। तो इस तरीके से इसे हम चारों तरफ फैला लेंगे, देखिए इसे हम हाथ से कर लेंगे, हाथ से भी फैला लेंगे, स्पून से अच्छे से नहीं हो पा रहा है, थोड़ा सा पेस्ट हमारा गाढ़ा सा है तो इतना ही गाढ़ा ही रखना है, तो हम हाथ से ही कर लेते हैं। तो हाथ से हम चारों तरफ इसे अच्छे से सेट कर लेंगे, जिससे ये बहुत ही बढ़िया सेट हो जाए, और इसे हमें फ्रिज में 1 घंटे के लिए रखना है। हम इसे सेट करने के बाद फ्रिज में 1 घंटे के लिए रख देंगे, जिससे ये बहुत ही अच्छी तरीके से सेट हो जाएगा। फिर हम इसे निकालेंगे और आगे का प्रोसेस करेंगे। तो देखिए मैं सेट कर ली हूँ, अब इसे मैं फ्रिज में रख दूँगी 1 घंटे के लिए। जैसे 1 घंटे के बाद मैं फ्रिज से निकाल ली हूँ, अब चाकू की मदद से चारों तरफ इसके किनारे किनारे हम हल्का सा इस तरीके से करते जाएंगे चारों तरफ से, जिससे बहुत अच्छी तरीके से निकल जाएगा। ये देखिए चारों तरफ से मैं कर ली हूँ, और इसके ऊपर एक प्लेट रख के पलट लेंगे और हल्का सा टैप करेंगे तो ये निकल जाएगा। तो देखिए कितना बढ़िया केक बन के हमारा रेडी हो चुका है, बहुत बढ़िया सेट कर गया है। अब यहाँ पे जो फ्रिज में हमने मक्खन निकाल के रखा हुआ था, ये मक्खन बिल्कुल जम गया है, तो इसको हम स्मूथ कर लेते हैं मिक्स करके। इस तरीके से हम मिक्स कर लेंगे तो बिल्कुल स्मूथ हो जाएगा। तो मक्खन बिल्कुल स्मूथ हो चुका है, हमने इसको मिक्स कर लिया है। अब यह इस केक पे हम मक्खन को डाल के और अच्छे से फैला लेंगे चारों तरफ से। देखिए बस मैंने 2 टेबल स्पून डाल दिया है इसमें, और इसको चारों तरफ हम अच्छे से फैला लेंगे, ऊपर से भी और साइड से भी फैला लेंगे, इसको अच्छे से सेट कर लेंगे। बहुत ही सुंदर हमारा केक बन के रेडी होने वाला है, तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा जिससे नए नए रेसिपी के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो ये देखिए इस तरीके से मैं इसको सेट कर दूंगी, और ये हमारा मक्खन केक बहुत ही बढ़िया बन के रेडी होने वाला है। देखिए इस तरीके से मैं मक्खन को चारों तरफ फैला लेंगे। तो मक्खन को चारों तरफ मैं फैला ली हूँ, बहुत अच्छे तरीके से ये सेट हो गया है। अब इसको डेकोरेट करेंगे। तो यहाँ पे मैं किशमिश से डेकोरेट कर रही हूँ, आप चाहें तो और भी ड्राई फ्रूट्स से डेकोरेट कर सकते हैं, अपने मनपसंद जो भी आप चाहें उस तरीके से आप इसे डेकोरेट कर सकते हैं। मेरे पास स्टार्स हैं तो मैं उससे ही केक को डेकोरेट कर रही हूँ, आप अपने मनपसंद किसी भी चीज़ से केक को डेकोरेट कर सकते हैं। तो देखिए कितना बढ़िया केक हमारा बन के रेडी हो चुका है, तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिए और कृष्ण भगवान का भोग लगाइए। तब तक बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।